करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद किसान नेता राकेश टिकैत तथा योगेंद्र यादव समेत कई किसान नेता हुए गिरफ्तार। किसानों ने जमकर किया हंगामा। दरअसल हरियाणा के करनाल में हुए किसान महापंचायत के बाद पुलिस राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई किसान के गद्दार नेता को नमस्ते चौक से गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच किसान नेता योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा, करनाल प्रशासन के साथ किसानों के साथ बातचीत विफल। पुलिस ने मुझे, राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेताओं को नमस्ते चौक से हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को जमकर धोया था। राकेश टिकैत ने कहा था कि करनाल में खट्टा सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। उनका कहना है कि या तो हमारी मांग पूरी हो, नहीं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। हम हरियाणा की जेल भरने को तैयार हैं। किसान के गद्दार नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर के जरिए जनता खट्टा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। ट्विटर यूजर देवशरण चौबे ने ट्वीट कर कहा, फिर भी जीत किसानों की होगी, करनाल में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। किसानों से डरी खट्टा सरकार ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल किया तैनात। 5 जिलों में इंटरनेट फोन पूरी तरह बंद, यह तानाशाही नहीं होते और क्या है। तो वहीं परविंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, खट्टा सरकार हाँसियों में आ गई है, सरकार नाम की कोई चीज हरियाणा में नहीं रही। अब शर्म हो तो खट्टर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। # किसान आंदोलन, # लाठीचार्ज, दोषियों को सजा दो, # किसान विरोधी खट्टर सरकार। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई किसान के गद्दार नेता को गिरफ्तार किए जाने पर खट्टा सरकार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि देश और दुनिया के सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।